भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज सीकर में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी सहित भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के देश और जिले के लिए की गई उपलब्धियां गिनाई। राज्यसभा सांसद नागर ने कहा कि 9 वर्ष के दौरान केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने के लिए देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस 9 वर्षों में केंद्र सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा है। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सीकर में आज 39 से अधिक ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। एक यूरिन शोध कारखाना जो है बन रहा है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, लगभग 3-4 हजार नौजवानों को, लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये काम हमारे यहाँ क्षेत्र में हुए हैं। और अभी एक नया नया काम, पानी की बात कर रहे थे लोग, बार बार पानी की बात आवाज उठाते थे कि पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। हमारी सरकार ने 7,891 करोड़ की जल के लिए स्वीकृति दे दी है। जल जीवन मिशन का अभियान अलग था, उसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर से अपने जो 6 विधानसभा बच गई थी पेयजल से, वो पानी आएगा। 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम, गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम, गरीबी से निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण इस देश के 41 करोड़ नागरिक गरीबी की रेखा से ऊपर आए।